बिना क्वालिटी कम किए अपनी YouTube वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाएं? आप ऐसे 90% लोग ऐसे हैं जिनको सही तरीके से अपनी YouTube वीडियो पे थंबनेल लगाना नहीं आता है, एंड वो थंबनेल तो लगा देते हैं, लगाने के बाद उनके थंबनेल की जो क्वालिटी होती है वो एकदम लो हो जाती है, मतलब उनका जो थंबनेल है वो ब्लर दिखने लगता है। अगर आप 4K में थंबनेल बनाते हो या आप फुल HD में थंबनेल बनाते हो, एंड जब आप उसको वीडियो पे लगाते हो तो आपका जो थंबनेल होता है वो ब्लर होने लगता है, एंड आपका जो फोटो है वो यहाँ पर ब्लर होने लगता है। ठीक है, तो भाई थंबनेल लगाने के 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके में से एक सही तरीका है, एंड 2 तरीके का यूज आप में से 90% लोग करते हैं जो कि गलत है। अगर आप ऐसे थंबनेल लगाओगे तो भाई आपके थंबनेल की जो क्वालिटी होगी वो यहाँ पर खराब हो जाएगी। तो थंबनेल कैसे लगाते हैं, सही तरीका क्या है, क्या आपको प्रोसेस करना चाहिए जिससे आपका जो थंबनेल है एकदम बढ़िया क्वालिटी में है और ब्लर ना हो, आप मेरी वीडियो का थंबनेल देखना, सब कुछ यहां पर आपको HD क्वालिटी में देखने को मिलेगा, कोई भी थंबनेल मेरा यहां पर ब्लर नहीं होता है। लेकिन आप लगाओगे आपका थंबनेल ब्लर हो जाता है क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता है किस तरीके से आप अपनी वीडियो पे थंबनेल लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा, एंड उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगा। इन 3 तरीकों में से जो मैं आपको तरीका बताऊं, जो आपको सही तरीका है वो आपको पता चलेगा, उसी तरीके से आप थंबनेल लगा के देखोगे भाई आपका जो थंबनेल है एकदम परफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, थंबनेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी वीडियो के लिए, तो भाई उसका सही देखना और उसका ब्लर नहीं देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे आपको कमेंट जरूर करना है, तो स्क्रीन पे आप मेरा मोबाइल दे सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं जो बहुत सारे लोग यहां पर यूज करते हैं, अब ये सही है या गलत है वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, यहां पर बहुत सारे लोग क्रोम ब्राउजर में जाते हैं, अब क्रोम ब्राउजर में पहला तरीका होता है थंबनेल लगाने का। ठीक है, जब भी आप यहां पर वीडियो अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद आप यहां पर अपनी वीडियो पर जाओगे, एडिट पर जाओगे, नीचे आपको यहां पर एक थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर थंबनेल लगाते हैं। ठीक है, यहां पर आपको एक थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको एक थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप प्लस करके थंबनेल लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर जो लोग होते हैं 50% जो लोग होते हैं वो यहाँ से थंबनेल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप थंबनेल लगाओगे तो आपका जो थंबनेल होगा वो सिर्फ 2 MB का लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका थंबनेल सिर्फ 2 MB से कम का लगेगा, एंड आपका अगर पॉडकास्ट का यहाँ पर है तो आपका थंबनेल 10 MB से कम का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर थंबनेल लगाते हो आपके थंबनेल की क्वालिटी 4 MB की है, 5 MB की है या 2 MB से ज्यादा की है तो आप यहाँ पर थंबनेल नहीं लगा सकते। आप यहां पर थंबनेल तभी लगा सकते हो जब आपका थंबनेल 2 MB से कम का हो। ठीक है, तो फिर आप 2 MB से कम का थंबनेल बनाते हो और फिर आप लगाते हो, आपका थंबनेल ऑटोमेटिक ब्लर हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपकी जो वीडियो है फुल्ली अपलोड हो चुकी होगी और आपकी प्रोसेस हो चुकी होगी। जब आप अपनी वीडियो का थंबनेल यहां पर लगाओगे तो YouTube उसको प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, थंबनेल आपका लग जाएगा लेकिन ब्लर क्वालिटी में आ जाएगा, तो यह तरीका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो है बाइटी स्टूडियो का। तो बहुत सारे लोग बाइटी स्टूडियो में जाते हैं, बाइटी स्टूडियो में जाने के बाद कोई भी वीडियो अगर वो अपलोड करते हैं, अपलोड होने के बाद जैसे वो वीडियो पे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर आपको एक एडिट का आइकन मिलेगा, यहाँ पर आप जाओगे एंड यहाँ पर आपको एक थंबनेल का आइकन मिल जाएगा। ठीक है, एडिट करने का। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे लोग थंबनेल लगाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से थंबनेल लगाते हो तो तब भी ये गलत तरीका है क्योंकि यहाँ से आपके थंबनेल की क्वालिटी तो सही आएगी लेकिन जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से आप कितनी भी MB का थंबनेल लगा सकते हो, सारा सब कुछ YouTube ले लेगा लेकिन आपके थंबनेल की ओरिजिनल क्वालिटी नहीं आएगी, उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। और भाई यहाँ पर 90% से ज्यादा लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, इसी चीज का यूज करके आप यहाँ पर थंबनेल लगाते हो कि मुझे पता है, लेकिन ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो यार अगर आपकी यहाँ पर वीडियो अपलोड हो चुकी होगी फिर बाद में आप थंबनेल यहाँ पर लगाओगे, पहले तो थंबनेल नहीं लगाओगे, तो भाई वीडियो अपलोड हो चुकी है, प्रोसेस भी हो चुकी है, फिर आप थंबनेल लगाते हो तो उसको YouTube प्रोसेस नहीं करेगा। तो सही तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सही तरीका है हमारा YouTube। ठीक है, अब YouTube पे आप थंबनेल कैसे लगाओगे वो जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पे जाना है, एंड यहाँ पर जो भी आपकी वीडियो है जिसको भी आप अपलोड करना चाहते हो सिंपल आपको अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देना है, एंड जो भी आपकी वीडियो है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपने यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट कर ली, एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट जैसे करोगे यहाँ पर आपको एक थंबनेल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप अपने थंबनेल को सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका थंबनेल है ठीक है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, आपका जो थंबनेल है यहाँ पर ओरिजिनल क्वालिटी में आएगा, एंड यहाँ पर आपका थंबनेल इस तरीके से दिखेगा, इसको आपको डन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहो उसको देके आप सिंपल वीडियो अपलोड करोगे। अब मैंने ये तरीका आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर आप
वीडियो अपलोड करने से पहले ही यहाँ पर आप थंबनेल लगा रहे हो, जब आपकी वीडियो अपलोड होगी तो उस थंबनेल को YouTube अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा एंड उसकी क्वालिटी यहाँ पर कम नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज करेगा सही तरीके से, समझेगा आपके थंबनेल को, तभी आपका थंबनेल सही तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके का यूज नहीं करते, वो गलत तरीके का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो थंबनेल होता है वो ब्लर हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपनी YouTube वीडियो पे थंबनेल लगाओगे, आपका थंबनेल जो होगा वो HD क्वालिटी में आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना, आपका थंबनेल यहाँ पर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको अपनी वीडियो पे थंबनेल लगाना है। तो आई होप गाइस आपके वीडियो समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप अपनी YouTube वीडियो पे थंबनेल लगाओगे, इससे आपके थंबनेल की क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी और आपका जो अच्छा थंबनेल है वो दिखेगा और आपके थंबनेल पे अच्छा खासा क्लिक आएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे आपको एक अच्छा सा कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।